हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द ओरिजिन इज। ऑप्शन ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड ऑप्शन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो आइए हम सबसे पहले इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जहां h कॉमा k क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, h कॉमा k सेंटर, और जो r होती है वो रेडियस होती है, रेडियस। तो अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे एक सर्कल है जो कि यहाँ पे जिसका सेंटर क्या हो जाएगा, एच और के की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, जीरो जीरो है, तो यहाँ पे जो सेंटर हो जाएगा वो इसका ओरिजिन ही हो जाएगा। तो इसको हम फिगर बनाते हैं इसका। तो ये हमने सर्कल ले लिया है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जिसका कि सेंटर हो जाएगा 0.0। और यहाँ पर एक कॉर्ड ले लेते हैं, ये हमने कॉर्ड ले ली, इसे हम नाम देते हैं ए और ये बी। यहाँ हम सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इसे हम बोल देते हैं सी। यहाँ से सी को इसे हम बोल देते हैं ओ पॉइंट, ओरिजिन को यहाँ से हमने ओ ए और ओ बी को मिला दिया है। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ से हमें क्वेश्चन में मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड बताने हैं। तो यहाँ से हम मिड पॉइंट, जो कॉर्ड के जो मिड पॉइंट है यानी कि जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको हम मान लेते हैं ए कॉमा बी, ये हमने मान लिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एंगल होगा ए ओ ए सी, ओ ए सी, ये जो एंगल है ओ ए सी, वो हम, ये दोनों हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा ओ ए सी। तो इसको हम लिख देते हैं 45 डिग्री, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा 45 डिग्री होगा। तो अब हम इसी ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए सी, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे साइन 45 इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ सी, हाइपोटेनियस हो जाएगा ओ ए। तो यहाँ से हमें ओ सी की वैल्यू मिल जाती है, क्योंकि इसकी जो रेडियस है पूरी वो कितनी है, ओ ए की वैल्यू कितनी होगी, ओ ए रेडियस है सर्कल की, जो कि 4 है इसका स्क्वायर, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 हो जाएगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए की वैल्यू 2। तो यहाँ से ओ सी कितना हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा √2। और हम यहाँ से OC को और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे C के जो पॉइंट है a, b और O के जो पॉइंट है 0.0, तो यहाँ से हम बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से 0.0 और ये a, b, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा b - 0 का स्क्वायर, यानी कि y2 - y1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये यहाँ पे √2, अभी हमने निकाला है √2 के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी ओसी है, ये भी ओसी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे, या दोनों तरफ हम रूट भी कैंसिल कर सकते थे, तो हम डायरेक्ट रूट कैंसिल, हमें यहाँ पे ये स्क्वायरिंग करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रूट कैंसिल कर सकते हैं, ये रूट से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे ए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, बी हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, तो हम यहाँ पे ए बी की जगह एक्स वाई पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड सबटेंडिंग राइट एंगल एट द सेंटर। तो हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।